नमस्कार। दिनभर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। PIO कार्ड्स को OCI कार्ड्स में बदलने और पासपोर्ट के साथ साथ वीजा से जुड़े नियमों को भी सरल बना रही है सरकार। वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, मुख्य अतिथि प्रविंद जगन्नाथ के साथ द्विपक्षीय वार्ता में आपसी हितों से जुड़े अहम मुद्दों पर की चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ममता बनर्जी के गढ़ में महागठबंधन के खिलाफ भरी हुंकार। मालदा की रैली में कहा, ममता राज में कंगाल हुआ बंगाल। नागरिकता विधेयक पारित होने पर सभी बंगाली शरणार्थियों को नागरिकता देने की कही बात। ईवीएम हैकिंग को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया जनमत के अपमान का आरोप। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 2019 में होने वाली अपनी हार के अभी से बहाने ढूंढ रही है कांग्रेस। चुनाव आयोग ने ईवीएम हैकिंग आयोजकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई FIR। हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की सहूलियत के लिए DGCA ने डिजी यात्रा के लिए नियम किए तय। एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक ID से होगा प्रवेश। उड़ान भरने से पहले किसी तरह के बोर्डिंग पास की जरूरत नहीं। हैदराबाद और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर होगी सुविधा की शुरुआत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 26 बच्चों को दिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इनोवेशन, शिक्षा, खेल, समाज सेवा और बहादुरी के श्रेणी में दिए गए पुरस्कार। राष्ट्रपति भवन में हुआ समारोह। वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले लोग कहते थे कि भारत बदल नहीं सकता है, लेकिन भारत बदल नहीं सकता, इस सोच को हमने बदल दिया है। साथ ही उन्होंने प्रवासी भारतीयों के लिए कई योजनाओं का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चल रहे प्रवासी भारतीय दिवस का औपचारिक उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर सरकार 1 रुपये भेजती है तो 15 पैसे ही गांव तक पहुंच पाते हैं। जिस पार्टी ने कई साल तक राज किया उसी पार्टी के प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने तकनीक का इस्तेमाल कर इस लूट को खत्म किया है। इतने वर्ष तक देश पर जिस पार्टी ने शासन किया उसने देश को जो व्यवस्था दी थी उस सच्चाई को प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने स्वीकार किया था। लेकिन अफसोस ये रहा कि बाद के अपने 10-15 साल के शासन में भी इस लूट को, इस लीकेज को बंद करने का प्रयास नहीं किया गया। साथियों, अब मैं आपको आज की सच्चाई भी बताना चाहता हूं। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस 85% की लूट को 100% खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए कुछ ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि प्रवासियों की सोशल सिक्योरिटी के साथ साथ पासपोर्ट, वीजा, PIO और OCI कार्ड को लेकर भी तमाम प्रक्रियाओं को आसान करने का प्रयास सरकार कर रही है। दुनिया भर में हमारी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स को पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है। इससे आप सभी के लिए पासपोर्ट सेवा से जुड़ा एक सेंट्रलाइज सिस्टम तैयार हो जाएगा। बल्कि अब तो
एक कदम आगे बढ़ते हुए चिप बेस्ड ई पासपोर्ट जारी करने की दिशा में भी काम चल रहा है। साथियों, पासपोर्ट के साथ साथ वीजा से जुड़े नियमों को भी सरल किया जा रहा है। ई वीजा की सुविधा मिलने से आपके समय की बचत भी हो रही है और परेशानियां भी कम हुई है। 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम नए भारत के निर्माण में प्रवासियों का योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां कई देशों के प्रतिनिधियों से मिलने के अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से द्विपक्षीय वार्ता भी की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई आपसी हितों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। पूरा प्रयास यह है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय लोगों को इस बात से अवगत कराया जाए कि किस तरीके से भारत में परिवर्तन हो रहा है, किस तरीके से भारत के बुनियादी ढांचे बदल रहे हैं, किस तरीके से भारत में भ्रष्टाचार का खात्मा हो रहा है और किस तरीके से पूरी नौकरशाही को, एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से पारदर्शी बनाया जा रहा है ताकि अगर वे भारत आना चाहें तो वे भारत में निवेश कर सकते हैं और अगर वे भारत आकर अपने जो हुनर है उस हुनर के साथ भारत के लोगों के साथ मिलना चाहें, भारत के लोगों को सिखाना चाहें तो उनके लिए अच्छा अवसर हो सकता है और इसके लिए संस्कृति का भी, सांस्कृतिक जुड़ाव का भी उपयोग किया जा रहा है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन योगेश अग्रवाल के साथ वाराणसी से अखिलेश सुमन। और इस पर और जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन का। अखिलेश, आप वाराणसी में हैं, कल इसकी सम्मेलन की शुरुआत हो गई थी, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत हो गई थी, आज औपचारिक उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या खास रहा, कैसा खास रहा आज का दिन, क्या खास बातें रहीं और किन बातों पर प्रधानमंत्री ने आज जोर दिया है? देखिए, कल जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हुआ था वो युवाओं के लिए था खास तौर पे, और किस तरीके से प्रवासी युवा जो हैं वो भारत के साथ सहयोग करके या भारत में अपने हुनर का इस्तेमाल करके भारत के विकास में सहभागी बन सकते हैं और उसी पर केंद्रित था। उसमें इंटरेक्टिव सेशन भी हुआ। उस इंटरेक्टिव सेशन में युवा जो प्रतिभागी हैं जो वहाँ से आए थे डेलीगेशन बन के, बहुत सारे देशों से आए, तो उन सारे लोगों ने कई सवाल भी पूछे और काफ़ी ऐसे सवाल पूछे जिस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि हमने एक ऐसा माहौल बनाया है भारत में ताकि आप अगर चाहें तो आप अपने उस कैरियर को यहाँ भी कंटिन्यू कर सकते हैं या हो सकता है उससे ज़्यादा बेहतर के साथ अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो कल का जोर इसी बात पर था। और आज जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ, एक्चुअली कल वाला जो था वो एक नया एडिशन उसमें जोड़ा गया है, 2015 से ही जोड़ा गया था युवाओं को जोड़ने की। और आज जो एक परंपरागत जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है जिसमें सभी तरह के प्रवासी शामिल हुए और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पे भारत के परिवर्तन की कहानी सुनाई और भारत के परिवर्तन की कहानी उन्होंने उसी तरीके से सुनाई जिस तरीके से भारत के लोगों ने महसूस किया है या जिस तरीके से भारत के लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। और प्रधानमंत्री का कहने का मतलब ये था कि भारत में जो परिवर्तन हो रहा है या भारत में जो परिवर्तन हुआ है उसमें एक 130 करोड़ के अलावा आप सब भी शामिल हैं और उस आपका भी संकल्प उसमें शामिल है, भारतीय जो यहाँ रह रहे हैं उनका भी संकल्प भी शामिल है। तो एक तरीके से भारत में रहने वाले भारतीय और भारत के बाहर रहने वाले प्रवासी भारतीयों को भी उन्होंने एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की, उनको भावनात्मक तौर पर भारत के साथ, भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का संदेश दिया। और जो उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में बात कही कि 4,91,00,000 रुपए हमने बबचाए हैं, करीब करीब 7,000 फर्जी लोगों के से, तो इस तरीके से उन्होंने कहिए कि प्रवासी भारतीयों का दिल जीत लिया। मैंने कई प्रवासी भारतीयों से बात की जिन्होंने कहा कि यह बहुत ही हमें अच्छा लगा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार का वातावरण हम भारत में सुनते थे और जब वे विदेश में जाते हैं तो उनको जिस तरीके का एक स्वच्छ प्रशासनिक वातावरण मिलता है उसके उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, भारत उन देशों की तरफ आगे बढ़ रहा है जहाँ भ्रष्टाचार काफ़ी कम है, कम से कम प्रशासनिक स्तर पर और इस तरह के फर्जीवाड़े कम है, तो इस यह बात उन्हें काफी आकर्षित कर रही है। और उन्होंने जो एक यह संदेश भी दिया कि जो भारत की संस्कृति, जो आप भारत से दूर गए हैं और यह जो भारत है और उसके साथ जो एक साथ आप महसूस करें, उस महसूस करने में यहाँ का भारत की संस्कृति और आप जिस संस्कृति को वहाँ जीवित किए हुए हैं इनमें जोड़ने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस की काफ़ी बड़ी भूमिका है। तो मैं बताऊँ स्मृति की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला उन्होंने संदेश दिया है प्रवासी भारत
भारतीयों को, और मैंने कई लोगों से पूछा तो उन्होंने उन्हें लगा कि हाँ ये यहाँ इस बार का जो प्रवासी भारतीय है सबसे ग्रैंड, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा कहे कि जो कहते हैं निशाने पर तीर लगने वाला, उस तरीके का आयोजन उन्होंने बताया। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम तक ये तमाम जानकारियां सीधे वाराणसी से हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष की मॉरिशस में अगले साल भोजपुरी महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें भोजपुरी भाषा के बारे में बताया जाएगा और सभी प्रवासी भारतीयों को इसमें आने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने इसका ऐलान प्रवासी भारतीय दिवस को संबोधित करते हुए किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी योजनाएं स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत और आयुष्मान भारत काफ़ी बेहतर योजनाएँ हैं। Education played a critical role in ensuring that all faiths and all cultures are respected and upheld, that our people remain united despite being diverse, that the country embarked on a process of rapid development and emerged as an upper middle income country. We were then privileged to host in August last year the 11th World Hindi Conference. It was a vivid testimony of the value we attach to languages in Mauritius. It was also to reaffirm our staunch support to India to promote the effective use of Hindi as a global language, including within the United Nations system, and most importantly, to preserve its critical role in the preservation and transmission of cultures. और इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सम्मेलन में आए प्रवासी भारतीयों का स्वागत किया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावी नेतृत्व के कारण भारत की प्रतिष्ठा बाहर के देशों में बढ़ी है और उससे आप लोगों का गौरव और सम्मान भी बढ़ा है। लेकिन आज मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी आपके प्रति कि जो प्यार प्रधानमंत्री जी ने आपको दिया, आपने दोगुना करके उनको वापस लौटाया। एक के बाद एक जगह से जहां वो जाते थे मांग आने लगी, हमारे यहां भी मेडिसन स्क्वेयर जैसी रैली चाहिए, और एक होड़ लग गई कि दुबई उससे बड़ा है या सिडनी उससे बड़ा है या वेम्बली उससे बड़ा है। एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटते चले गए। मित्रों, आज जो भारत में प्रधानमंत्री जी के प्रभावी नेतृत्व के कारण भारत की प्रतिष्ठा बाहर बढ़ी है, उससे आप लोगों का गौरव भी बढ़ा है और उसका सम्मान भी बढ़ा है, और आप स्वयं इसके साक्षी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 साल के भीतर पुरातन व्यवस्था बनाए रखते हुए विकास को आगे बढ़ाया गया है। काशी आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में विकास की जो योजनाएं नई ऊंचाइयों को छू रही हैं, ये 15वां प्रवासी भारतीय दिवस हम सब के लिए काशी में आयोजित करना अपने आप में गौरव की बात है। मैं इस अवसर पर आज के समारोह के मुख्य अतिथि मॉरिशस के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ जी का इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह आयोजन हम सब के लिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है और संभवतः पहला उत्तर प्रदेश का पहला प्रवासी भारतीय दिवस है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित हो रहा है। लेकिन इस प्रवासी भारतीय दिवस के माध्यम से जहां हमें काशी और बदलती हुई काशी, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ होगा। आज से 5 वर्ष पहले जो लोग भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में, काशी के घाटों में, काशी की सड़कों में, काशी के मंदिरों में
गंगा में नौकायन करते समय जिन्होंने काशी का अवलोकन किया होगा, विगत 4.5 वर्ष के अंदर काशी की पुरातन काया को बनाए रखते हुए आधुनिकता के साथ उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन्हें स्पष्ट महसूस हो रहा होगा काशी के इस बदलते हुए स्वरूप को, जो अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए भी विकास की आधुनिक दौड़ में आगे बढ़ सकती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पश्चिम बंगाल पहुंचे। मालदा में हुई रैली में उन्होंने ममता बनर्जी सरकार की जमकर आलोचना की। अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव तय करेंगे कि बीजेपी के कार्यक्रमों को रोकने वाली ममता सरकार रहेगी या जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सालों में कर दिखाया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मालदा की इस रैली के साथ ही पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत कर दी। पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के इस भारी हुजूम के बीच बीजेपी अध्यक्ष ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने आरोप लगाया कि आजादी के बाद जो बंगाल हर क्षेत्र में आगे रहता था उसकी हालत अब खराब हो गई है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को कंगाल बनाने का काम किया है। 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस ने 1,32,000 करोड़ दिया, 14वें वित्त आयोग में नरेंद्र मोदी जी ने 3,95,406 करोड़ रुपया, ढाई गुना पैसा ज्यादा हमने दिया है। मगर ममता दी ये पैसा कम पड़ जाता है, क्योंकि आधा तो आपके लोग खा जाते हैं और आधा जो घुसपैठिए घुसे हैं वो खा जाते हैं। बंगाल की जनता के नसीब में कुछ नहीं आता। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी घुसपैठिया बंगाल में नहीं घुस पाए। उन्होंने ये भी कहा कि वोट बैंक की वजह से TMC ने नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन नहीं किया, लेकिन प्रदेश में उनकी सरकार बनने पर सभी बांग्ला शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। मैं बंगाल में रहते हुए सारे शरणार्थी हिंदू बौद्ध सिखों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाए हैं, एक एक हिंदू बांग्लादेशी को हम नागरिकता देने का काम करने वाले, एक एक कोई नहीं छूट जाएगा। कोलकाता में शनिवार को ही विपक्षी नेताओं की रैली पर भी अमित शाह ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिस गठबंधन की रैली में भारत माता की जय का जयकारा न लगता हो, वंदे मातरम के नारे नहीं लगते हो, वो देश का भला क्या करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष की 23 जनवरी को झारग्राम और बीरभूम जिले के सुरी में 2 रैलियां होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। और लोकसभा चुनावों के नजदीक आते आते एक बार फिर EVM मशीन को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। लंदन में कल EVM हैकिंग को लेकर दावे के बाद चुनाव आयोग ने आज दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी, तो वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस प्रायोजित कार्यक्रम करार दिया है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर दोहराया है कि आगामी लोकसभा चुनाव या तो बैलेट पेपर से हो या फिर 50% VVPAT का ऑडिट किया जाए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को लंदन में EVM हैकिंग के दावों को सरासर गलत बताते हुए इस मामले में अब दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज करा दी है। इस शिकायत में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट में जिस सैयद शुजा ने EVM हैक करने का दावा किया है उससे IPC की धारा 505(1)(b) का उल्लंघन होता है। बीजेपी ने भी लंदन में EVM हैकिंग के दावे को कांग्रेस प्रायोजित बताते हुए इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की मौजूदगी पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर विदेशी धरती से भारतीय जनतंत्र को बदनाम करने का आरोप लगाया। कहा गया कि 14 में हैकिंग से मोदी जी जीते हैं। 2014 के चुनाव में आप याद करिए, UPA पावर में थी, हम नहीं थे। तो जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा, ये पूरी कमेटी जो बनी थी 2010 में बनी थी, जो पूरा EVM के टेक्नोलॉजिकल इश्यू को देखती है, मैं उस पर अलग से आऊंगा। तो जो हम सत्ता में थे नहीं, तो फिर भी हमारी इतनी हैसियत थी कि साहब हम हैकिंग कर सकते थे, ये कौन सा लॉजिक है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक EVM हैकिंग से जुड़े दावे को गंभीर माना है। पार्टी प्रवक्ता आनंद शर्मा ने दोहराया कि पार्टी का रुख साफ है कि आगामी चुनाव बैलेट पेपर से हो। उन्होंने कहा कि EVM से चुनाव होने पर कम से कम 50% पेपरों का
ऑडिट जरूरी बनाया जाए। हमारी मांग ये है, चुनाव सिर पर है, विपक्षी दलों ने परसों भी कलकत्ता में जो बहुत बड़ी एक रैली हुई थी 19 तारीख को, उसमें ये तमाम विपक्षी दलों ने बात दोहराई है, तो उस पे गौर करते हुए चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि 50% कम से कम VVPAT जो पर्ची है वो रैंडमली उसकी भी गणना हो। दरअसल सोमवार को लंदन इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के एक आयोजन में दावा किया गया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने तत्काल ही सफाई जारी करते हुए कहा था कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है और इसकी विश्वसनीयता परखने के लिए सभी राजनीतिक दलों के लिए हैकाथॉन का आयोजन भी किया जा चुका है, जिसमें किसी भी दल ने ये चुनौती स्वीकार नहीं की थी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। हवाई अड्डे पर अब बिना किसी कागज के यात्रियों की बोर्डिंग होगी। सरकार ने डिजी यात्रा के नियमों को लागू कर दिया है। इन नियमों के अनुसार अब यात्रियों को उड़ान से पहले किसी भी तरह का बोर्डिंग पास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हवाई यात्री जल्द ही अपने चेहरे की पहचान यानी बायोमेट्रिक के जरिए देश के किसी भी एयरपोर्ट में प्रवेश कर सकेंगे। सबसे पहले इस सुविधा को बेंगलुरु और हैदराबाद के एयरपोर्ट पर शुरू किया जाएगा। इसके बाद इसे वाराणसी, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा में भी 3 महीने के अंतर शुरू किया जाएगा। ये व्यवस्था सिर्फ उन्हीं यात्रियों के लिए होगी जो इच्छुक होंगे। और सिद्धगंगा मठ के प्रमुख और आध्यात्मिक गुरु शिव कुमार स्वामी का अंतिम संस्कार आज शाम कर्नाटक के तुमकुरु में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। तुमकुरु में कल सुबह शिव कुमार स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए थे। वो पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। 111 साल के शिव कुमार स्वामी ने मानव सेवा के अनगिनत कार्य किए। उनके निधन पर राज्य में स्कूल और कॉलेज आज बंद रहे। कर्नाटक में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। सुरक्षा बलों को मिली गुप्त सूचना के बाद इलाके में सर्च अभियान चलाया गया, जिसके बाद छुपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर गोलीबारी की। 7 घंटों तक चली कार्रवाई में सुरक्षा बलों के जवानों ने 3 आतंकियों को मौके पर ढेर कर दिया। घटनास्थल से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इससे पहले सोमवार को बडगाम जिले में सुरक्षा बलों ने 3 संदिग्ध आतंकियों को मार गिराया था। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कुछ इलाकों में इंटरनेट कनेक्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। बडगाम एनकाउंटर में 3 टेररिस्ट मारे गए और शोपियां एनकाउंटर में भी 3 टेररिस्ट मारे गए हैं और उनसे जो आर्म्स एंड एमिनेशन बरामद की गई है। ये दोनों एनकाउंटर जो है वो हाइडआउट्स थे, जहाँ पे ओपन एरिया में हाइडआउट्स में हुए और फोर्सेस ने काफी अच्छे से इन ऑपरेशंस को मैनेज किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार 2 मुख्य श्रेणियों में दिए गए, पहला बाल शक्ति पुरस्कार और दूसरा बाल कल्याण पुरस्कार। इस साल बाल शक्ति पुरस्कार 26 चयनित विजेताओं को दिए गए। इनमें नवाचार, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी की श्रेणी शामिल हैं। इस साल बाल शक्ति पुरस्कार के लिए कुल 783 आवेदन मिले थे। पुरस्कार विजेताओं के नामों को महिला बाल कल्याण मंत्री मेनका संजय गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। इसमें व्यक्तिगत विजेता को 1,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार, 1 मेडल और 1 प्रमाण पत्र दिया गया। संस्थागत पुरस्कार में 5,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार, 1 मेडल और 1 प्रमाण पत्र शामिल है। गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शन करने के लिए सजी अलग अलग राज्यों की झांकियां ने आज दिल्ली कैंट पर परेड ग्राउंड पर भारत के गौरवशाली इतिहास की एक वानगी दिखाई। इस मौके पर उत्तराखंड के कौसानी, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। पेश है ये रिपोर्ट। ये झांकी देवभूमि उत्तराखंड की है, जिसमें आध्यात्मिक अनाशक्ति आश्रम के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाया गया है। यही वो जगह है जहां 1929 में महात्मा गांधी ने भारत भ्रमण के दौरान रुककर हिमालय पर्वत में बसी इस खूबसूरत जगह को भारत के स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी थी।
ये जगह उत्तराखंड के कौसानी में स्थित है। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदर्शित होने वाली इस झांकी में शामिल कलाकार खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हम उत्तराखंड की इस झांकी में एक्शन करने वाले हैं और हम सौभाग्यशाली है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला, मतलब कि हमें 26 जनवरी की परेड में शामिल होने का मौका मिला। हमें बहुत बड़ा गर्व है कि हम यहाँ आ रहे हैं और इतने बड़े स्टेज में आए हैं। सब मेरे इतने बड़े मतलब हमारे सब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही रहेगी कि मैं इस स्टेज पर आई हूँ और इस काबिल बनी हूँ कि खुद झांकी में खुद शामिल हो रही हूँ। भारतीय रेल की झांकी में गांधी जी के महात्मा बनने तक के सफर को बखूबी दर्शाया गया है। झांकी के पहले भाग में भाप के इंजन को दिखाया गया है जिसके ऊपर गांधी जी की प्रतिमा को देखा जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश की झांकी में काशी विद्यापीठ के शिलान्यास पत्थर को और वाराणसी के स्वच्छ घाटों को दिखाया गया है। 2019 में हम लोग महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं और गणतंत्र दिवस का थीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा हुआ है वो है महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती। उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग ने टेबलों में काशी विद्यापीठ जो कि बनारस में है और जिसका महात्मा गांधी का गहरा रिश्ता रहा है वो हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है। इसके अलावा हम लोगों ने जो काशी की प्राचीन विरासत है वो भी हम लोगों ने झांकी के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम समेत देश के 16 राज्य दिल्ली के राजपथ पर अपनी अपनी झांकियां दिखाने को बेताब है। 2019 में मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का साल भी है, लिहाजा इस बार प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की ओर से निकाले जाने वाली झांकी की थीम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आधारित है। गणतंत्र दिवस के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब सभी झांकियों की थीम एक विषय पर है। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के 15 राज्यों की झांकियां अपनी सांस्कृतिक विरासत और भारत की आन बान शान को दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस इस मायने में भी अलग होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में 150वीं जन्म शताब्दी को इस गणतंत्र दिवस की थीम बनाया गया है। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।